Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Today we are going to do the second part of the first chapter, that is integers. In the last video we did about integers, like what are integers, how to represent them on a number line, and the operations that are attached to the integers, that are addition, subtraction, multiplication and division. So today we are going to do the properties of integers, aur isme ab hum check karenge ki in which operations do the different properties of integers hold true. So sit tight because we are going to start a very important part of the chapter. Okay. So ace your school exams with An Academy. That is the An Academy Plus and Iconic subscription, which has a lot of benefits but very little cost. And if you want flat 10% off, don't forget to use the code SPGSS10. तो ये कोड यूज करके आपको उसी टाइम 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट? प्लस एंड आइकॉनिक बोथ. एंड लेटर इन द वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू सब्सक्राइब एंड व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक. सो मूविंग फॉरवर्ड, वेलकम टू द क्लास एवरीवन. आई एम गुरलीन सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर. आई हैव 2+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स. ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू द UGC नेट एग्जाम. ओके, so these are the major properties of integers that we are going to be studying today. That is the closure property, commutative property, associative property and distributive property. So first one is our closure property. So closure property kya kehti hai? This property will hold true if and only if on adding, subtracting, multiplying और डिवाइडिंग टू इंटीजर्स द रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर. सो बेसिकली अब मैं कब कहूंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, कि जो मेरा आंसर है, ठीक है, जो मेरा आंसर है वो भी एक इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है. हमने ये प्रॉपर्टी की थी फॉर होल नंबर्स इन आर प्रीवियस क्लासेस, राइट? सो अगर मैं होल नंबर्स की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2+5, माय आंसर इज इक्वल टू 7, एंड इज 7 अ होल नंबर? यस, 7 इज अ होल नंबर. तो मैं बोलूंगी एडिशन में इट होल्ड्स ट्रू, ठीक है. सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. अगर अब मैं इसको 2-5 कर दूं, ठीक है, तो आंसर तो आएगा -3, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लस माइनस हो तो माइनस होता है. सो इट इज इक्वल टू -3. नाउ इज -3 अ होल नंबर? नो, नॉट अ होल नंबर, ठीक है, दिस इज नॉट अ होल नंबर. तो मैं बोलूंगी दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू. सो सिमिलरली अब मुझे ये चेक करना है, ये चारों ऑपरेशन पे आई हैव टू चेक इफ द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू और नॉट, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस टेबल यू कैन सी पहला ऑपरेशन किसका है? पहला ऑपरेशन है एडिशन का, ठीक है. सो वी हैव -54 + 10, ठीक है. अब एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन जो है दे आर गेटिंग, यू नो, ऑपरेशन लगाया जा रहा है. प्लस माइनस हो तो माइनस होगा, तो 54 - 10 इज गोइंग टू गिव मी 44, एंड साइन कौन सा आएगा जो बड़े नंबर के साथ है? दैट इज अ नेगेटिव साइन. तो आंसर आ रहा है -44. Now is this as an integer? Yes, obviously -4 is a negative number, a negative whole number, so yes it is an integer. Okay, second में क्या है? 27, plus minus हो तो minus होता है, तो 27 - 27, plus minus है, same number है, so this gets cancelled out and my answer is equal to 1. So yes, 1 is also an integer, right? We studied what are integers, these are positive and negative whole numbers including 0. So in both the cases I am getting an integer. So यहाँ पे लिखेंगे yes, this property holds true for addition of integers, right? Okay, अब आते हैं हम subtraction पे. Now we have -35 - 30, ठीक है. So दो negative signs है तो operation addition का लगता है, right? 35 + 13 is going to give me how much? This is 48, right? And sign कौन सा? Because both of them are having negative sign, तो answer आ रहा है -48. So -48 is also an integer. Then we have +29 - 15, ठीक है. पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस हो रहा है, सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट, राइट? सो माई आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 14. यस, सो दिस विल बी +14. अब ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, पर बोथ द केसेस में आंसर तो इंटीजर ही आ रहा है, राइट? सो यस, सब्ट्रैक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए नोटेड डाउन दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू. आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, फिलअप्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. ओके, देन वी हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ओके, लेट्स सी. ओके, नाउ वी हैव -12 - -20, दो नेगेटिव साइंस है तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 240.
So yes, 240 is a positive integer. Then we have 21 into 4. Ek negative sign, ek positive sign hai, toh answer negative aayega. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So answer is minus 84. So these are just examples. Hum ek ke bajaye do examples le rahe hain, so that we are sure of our calculations. Theek hai? Ki ye hold true hogi ki nahi. And now this is a negative integer. But both the cases mein integers hai. So I will write yes. Ki multiplication mein the closure property holds true. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिविजन. नाउ दिस इज माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2. अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, दिस इज 5, 2 5s are 10 एंड 0, आंसर इज -50. सो यस, दिस इज एन इंटीजर. एक और एग्जांपल लेते हैं, -28 अपॉन -6. राइट, माइनस एंड माइनस तो चलो मान लिया, कैंसिल आउट हो गया. नाउ आई विल ब्रिंग 28 अपॉन 6 इन द लोएस्ट फॉर्म. राइट, सो 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 3s are 6. अब 14/3 को मैं आगे फर्दर लोएस्ट फॉर्म में लेके जा सकती हूँ? नो आई कैन नॉट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. एंड दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, तो मेरी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो कब होल्ड ट्रू हो सकती है? जब डिविजन करने के बाद आंसर जो है वो भी एक इंटीजर आता है. बट नाउ वी डिस्कवर्ड दैट नॉट एवरी टाइम आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर एज एन इंटीजर. कभी कभी फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शन आ सकती है, रैशनल नंबर क्या आ सकता है मेरा आंसर में. ठीक है, फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो मतलब मैं इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, बट दिस इज नॉट एन इंटीजर. सो आई विल राइट नो, द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिविजन, लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होल्ड ट्रू होती है. तो इसको नोट डाउन कर लो, टेक मोर एग्जाम्पल्स एंड यू कैन चेक विद मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, चलो, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज फेयरली ईजी, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज आवर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस होल्ड्स ट्रू इफ इफ इवन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑफ टू नंबर्स द आंसर रिमेन्स द सेम. ठीक है, कॉम्यूटेटिव मीन्स कॉम्यूटेटिव आता है वर्ड कम्यूट से, और कम्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना. जैसे मैं बोलती हूँ, आई कम्यूट बाय बस, आई कम्यूट बाय माय ओन कार, मतलब आना जाना, टू चेंज द पोजिशन. ठीक है, सो बेसिकली मैं पोजिशन चेंज करूंगी, इंटरचेंज कर दूंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, 3 + 8, ठीक है, इज इक्वल टू 8 + 3. अब हुआ क्या, मैंने 3 को पीछे कर दिया और 8 को आगे कर दिया. ठीक है, 8, 9, 10, 11, बट इन बोथ द केसेस माई आंसर इज इक्वल टू 11. सो द थिंग इज कि अगर पोजिशन को इंटरचेंज किया, आंसर सेम रहना चाहिए. ये मैंने कौन सा ऑपरेशन लगाया है? आई हैव यूज्ड एडिशन ऑन होल नंबर्स. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू सी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑन इंटीजर्स. तो अगर किसी को होल नंबर्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन गो बैक टू योर प्रीवियस क्लासेस, और यू कैन टेक एग्जाम्पल्स. ठीक है, मतलब प्रीवियस क्लासेस की वीडियोज देख सकते हो, और यू कैन टेक एग्जाम्पल्स एंड फाइंड आउट योर सेल्फ कि होल नंबर्स में कौन कौन से ऑपरेशन में ये ट्रू है. ठीक है, चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. ठीक है, होल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन की बात करें, जैसे 8 - 3 है. ठीक है, 8 - 3 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 5. अब मुझे क्या करना है, माइनस साइन यहीं पे है, 3 आगे चले गया, 8 पीछे आ जाना चाहिए. सो दिस बिकम्स 3 - 8. नाउ इन दिस केस माय आंसर इज इक्वल टू -5. सो दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, सो सब्ट्रैक्शन में ये होल ट्रू नहीं हो रहा है. सो दिस वाज फॉर अ होल नंबर्स, एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर इंटीजर्स. ओके, चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, एडिशन पर देखते हैं कि ये जो एडिशन, हमारा ऑपरेशन ऑफ एडिशन है, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू होती है या नहीं होती. ठीक है, सो -19 + 5. ओके, यस, सो -19 + 5 प्लस माइनस का ऑपरेशन है तो माइनस होगा. सो 19 - 5 = 14, एंड जो मेरा इंटीजर है, जो मेरा साइन है, वो कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, अब क्या हुआ, प्लस जो है वो एज इट इज रह जाएगा बीच में. ठीक है, ये -19 पीछे आ गया एंड 5 आगे चले गया. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस. 5 + - है तो माइनस होगा, दैट इज -19. ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, अब प्लस माइनस करो तो आंसर आएगा 14, एंड यहाँ पे भी क्या है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है. ठीक है, सो इन बोथ द केसेस यू विल सी कि आंसर -14 है. सो यस, ऑन इंटरचेंजिंग द पोजिशंस ऑल्सो द आंसर रिमेन्स द सेम, अगर हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर? ओके, लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. अब क्या है, 12 - -5, तो एक नंबर मेरे पास 12 है, एक नंबर मेरे पास -5 है. अभी हम इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 + 5 which is equal to 17.
ठीक है, अब क्या हुआ, -5 को मैं आगे ले गई, बीच का नेगेटिव साइन एज इट इज है, एंड ये जो पॉजिटिव प्लस था, सो जो पॉजिटिव नंबर 12 था वो पीछे आ गया. ठीक है, सो दिस इज -5, प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था. तो किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इंटीजर्स का, प्लीज गो एंड सी इट, यू फाइंड दिस ऑन द यू विल फाइंड इट ऑन दिस चैनल. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, दो नेगेटिव साइंस है तो आंसर जो है ऑपरेशन या एडिशन का लगेगा, सो योर आंसर इज इक्वल टू +17. ओके, सो इन दिस केस ऑल्सो यू आर गोइंग टू सी दैट येस इट होल्ड्स ट्रू, राइट, सॉरी योर आंसर इज -17. ठीक है, स्लिप ऑफ टंग, राइट, सो दिस इज -17 एंड ये है +17. ठीक है, तो अब नंबर्स दो सेम ही थे, उनको इंटरचेंज किया हमने, लेकिन हमारा आंसर अलग आ रहा है. सो नो, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू. सो नाउ लेट्स चेक इट फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. ठीक है, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, 9 × -6, राइट, सो 9 × 6 = 54 एंड आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, राइट, बिकॉज एक नेगेटिव नंबर है. देन वी हैव -6 × 9. अब इसमें क्या हुआ, ये जो -6 है आगे चले गया, 9 जो है वो पीछे आ गया, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -54. सो इन बोथ द केसेज द आंसर इज सेम, सो आई विल से येस इट होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन. देन वी हैव डिविजन, -27 / 3. ठीक है, 3 × 9 = 27 होता है एंड माइनस का साइन आएगा बिकॉज देयर इज वन नेगेटिव नंबर. नेक्स्ट है, अब क्या हुआ, जो 3 है, जो मेरा डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया. सो 3 / -27, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, तो इस केस में मेरा आंसर कितना आ रहा है, -1/9. सो -9 एंड 1 - 1/9 आर वेरी डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, सेम तो नहीं है, ठीक है, एंड ऊपर से ये तो इंटीजर भी नहीं है, सो वी विल से नो कि डिविजन में इट डज नॉट होल्ड ट्रू. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू ओनली इन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, वेयर एज सब्ट्रैक्शन और डिविजन में डज नॉट होल्ड ट्रू. ठीक है, आप और एग्जाम्पल्स लेकर यू कैन ट्राई इट. ओके, देन वी हैव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू व्हेन देयर आर मोर देन 2 नंबर्स एंड ऑन रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द नंबर्स देयर इज नो चेंज इन द आंसर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 नंबर्स, 2 + 3 + 8. ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग द नंबर्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग, जैसे 2 + 3 है, आंसर कितना है 5, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, देन +8, सो माई आंसर इज 13. ठीक है, ऑन द अदर हैंड मैं चाहती हूँ कि लेट्स यू नो चेंज द ऑर्डर, पहले 8 और 3 को ऐड कर लेती हूँ, फिर 2 में ऐड कर दूंगी, सो 8, 9, 10, 11. ठीक है, सो इसका भी आंसर कितना हो गया, इसका आंसर भी हो गया 13. सो यू विल सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि एसोसिएशन होती है ग्रुपिंग करना. ठीक है, तो दो नंबर्स के अलग अलग ग्रुपिंग करके भी मेरा आंसर जो है वो सेम आ रहा है. सो दिस वी चेक फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स. अब हम देखेंगे डज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ इंटीजर्स, राइट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Right, let's see for addition. Okay, -12 + -5 + 3. ठीक है, तो मेरे पास 3 numbers है, कौन से है, -12, -5 और 3. अब सबसे पहले मैंने बोला -12 और -5 को सॉल्व करूंगी. ठीक है, सो दिस इज -12 + -5 होगा तो -5 + 3, सो दिस बिकम्स हाउ मच, सॉरी -12 - 2 विच इज इक्वल टू -14. ठीक है, इस साइड पे क्या है, पहले मैंने सोचा इन दोनों को ग्रुप कर देती हूँ, फिर मैं -12 में ऐड कर दूंगी, -12, सो दिस इज -5 + 3, आंसर कितना आ रहा है -2. ठीक है, -12 - 2, सो माई आंसर इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज -14 ओनली. ठीक है, तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया. ओके, ठीक है, हमने पहले इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया and then we solve the right hand side, and both cases what I am seeing that my answer is equal to -14. So you will write down that yes, for associative property it holds true. ठीक है, okay, अगर मैं इसको ऐसे करती, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे आ रहा था -17 + 3, सो -17 + 3 इज गोइंग टू गिव यू -14 ऑल्सो, एंड ऑन दिस साइड -12 - 2 इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू -14,
राइट सो ग्रुपिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा. ओके ऑन द अदर साइड अब सब्ट्रैक्शन में मेरे पास थ्री नंबर्स कौन से हैं, -9, -4 and -7 राइट. सो इसमें देखते हैं पहले -9 और -4 को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से -7 कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज दो नेगेटिव साइंस है तो ऑपरेशन एडिशन का लगेगा. सो दिस इज -13, -7 ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, -20 ठीक है. इस साइड पे देखते हैं, पहले मैंने सोचा कि आई विल सॉल्व 4 -7 एंड देन आई विल अप्लाई द ऑपरेशन. तो ये कितना हुआ -9 ये अंदर कितना है 4, 5, 6, 7 दैट इज -3. सो दिस इज -9 + 3 एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी हाउ मच -6. सो ऑब्वियसली -20 and -6 आर नॉट सेम. ग्रुपिंग चेंज करने से मेरा जो आंसर है उस पर इफेक्ट हो रहा है. सो आई विल राइट दैट नो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, मुझे एक ऑर्डर में ही नंबर सॉल्व करने पड़ेंगे. इफ आई चेंज द ऑर्डर माई आंसर इज ऑल्सो गोइंग टू डिफर. ओके नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट टू ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. अब हम चेक करते हैं दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन. सो वॉट वी हैव टू डू, मुझे ग्रुपिंग करनी है. पहले करते हैं 7 into -5 विच आई नो इज इक्वल टू -35. अब जो आंसर आया है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू -70 ठीक है. लेट्स चेक इट ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ वी हैव 7 into फर्स्ट आई विल सॉल्व द ब्रैकेट दैट इज -5 into 2 विच इज इक्वल टू -10. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी -70. अब दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स येस फॉर मल्टीप्लीकेशन. इफ आई इवन इफ आई चेंज द ग्रुपिंग द आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. अब चेक करते हैं डिविजन के लिए. पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे दैट इज -15/3 ठीक है, विच इज इक्वल टू 3, 5 is 15 सो दिस इज -5. नाउ नेक्स्ट इज, अब जो आंसर आया है दैट इज -5 उसको मैं डिवाइड करूंगी -5 से. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 ठीक है. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड लेट्स चेंज द ग्रुपिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सॉल्व दीज टू. सो ये कितना हो जाएगा 3 -3/5 कर देते हैं बिकॉज माइनस कैन गो इन द न्यूमरेटर. सो दिस इज -3/5 एंड नाउ दिस इज गेटिंग डिवाइडेड बाय -15/-3/5 राइट. सो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है -15 into -5/3 3, 5 is 15 राइट. सो दिस इज -5 into -5 विच इज इक्वल टू 25. सो वी कैन ईजिली सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर आई विल से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर फॉर डिविजन ऑफ इंटीजर्स ठीक है. तो हमने क्या देखा दैट इट इज ट्रू फॉर एडिशन ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू फॉर एडिशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए इट होल्ड्स ट्रू. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू द लास्ट प्रॉपर्टी, द वेरी इंपॉर्टेंट वन दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है. दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मतलब बांट देना. अब अगर ए मल्टीप्लाई हो रहे बी प्लस सी से तो इसका मतलब ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ए इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई सी ऑल्सो राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 5 into 11+2 ठीक है, 11+2 इसका क्या मतलब हुआ 5 into 11+5 into 2 तो 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. नाउ लेट्स सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड सी अगर हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता. ओके सो दिस इज 5 into 11+2 कितना हुआ 13 विच इज इक्वल टू 65. नाउ ऑन द राइट हैंड साइड 11 into 5 is 55 एंड 5 into 2 is 10 55+10 is also equal to 65 तो दोनों साइड पे आंसर सेम आ रहा है. दैट मींस दैट अगर मेरे को इस फॉर्म में कुछ भी क्वेश्चन गिवन है आई कैन एक्सपैंडेड ऑल्सो एंड अगर एक्सपैंडेड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो मैं ए को कॉमन ले लूंगी ठीक है, अंदर क्या बचेगा बी प्लस सी राइट. सो दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट. लेट्स सी सम क्वेश्चंस. ओके सॉल्व द फॉलोइंग. अब आपको पहचान कैसे करनी है एग्जाम में कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं. ओके ये बीच में आपको दिख रहे हैं एडिशन के साइन ठीक है, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड यू नो 2 or 3 थिंग्स आर देयर, देयर इज अ कॉमन नंबर बिटवीन एवरी एडिशन, देयर इज अ कॉमन नंबर ठीक है. चाहे दो नंबर्स चाहे इस सिर्फ हमारे पास 2 brackets होंगे या 3 brackets होंगे पर उसमें कोई ना कोई नंबर कॉमन जरूर होगा. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द कॉमन नंबर आउट, 9 को बाहर ले लिया. अब 9 को छोड़ के जो भी बचता है इनके अंदर दिस इज -6 ठीक है, बीच में तो एडिशन का साइन है. इस साइड पे क्या बचता है 12 एंड इधर क्या बच रहा है -8. सो आई विल राइट -8
Now I am going to solve it. This is 9, ठीक है, minus 6 plus 12, plus minus हो तो minus होता है, which is equal to minus 8. So this is 9 is equal to minus 14 plus 12. So this is equal to 9 into minus 2, which is equal to minus 18, right? So minus 18 is the correct option. And अब इसमें आपने देखा होगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई है. तो बेसिकली व्हाई डू वी यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी यूज इट टू ईज आउट द कैलकुलेशन. ठीक है, पहले आप 9 इंटू 6 करते, फिर 9 इंटू 12 करते, उनको ऐड करते, बट इन दिस केस इट हैज़ बिकम सो मच ईजियर दैट यू कैन सॉल्व इट विद इन 1 मिनट बाय टेकिंग आउट द नंबर कॉमन. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स अगेन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. कॉमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दी डाउट्स. ओके, चलो सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है. अब इसमें दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू बी. अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? हमने तो ये पढ़ा था ना कि ए इंटू बी प्लस सी होगा तो लग जाएगी, या फिर इट विल बी इन द फॉर्म ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. इसमें से कोई भी फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन वी कैन मेक इट इन दैट फॉर्म. हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, चलो. ठीक है, दैट इज माइनस 95 इंटू बी प्लस सी. कितना हुआ? 10 प्लस 7. ठीक है, 10 प्लस 7, 17 को मैं 10 प्लस 7 लिख सकती हूँ. अब मैं क्या करूँगी, 95 को 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी, 95 को 7 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगी. सो माइनस 95 इंटू 10 इज माइनस 950. ठीक है, एंड प्लस दिस इज माइनस 95 इंटू 7, 7 फाइव ज 35, 63, 64, 65, 66. तो ये भी आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, माइनस 665. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. माइनस 950 माइनस 665 इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? माइनस 1615. ठीक है, दो नेगेटिव साइंस है तो एडिशन का ऑपरेशन लगेगा. सो आई थिंक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज मच ईजियर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, इसमें नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, यू वुड हैव बीन लाइक दिस 95 इंटू 17, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हो. उससे अच्छा यू यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड योर कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी ईजियर. ठीक है, अब इसको मैंने 10 प्लस 7 क्यों लिखा? ठीक है, जर मैं इसको 15 प्लस 2 भी तो लिख सकती थी. ठीक है, 13 प्लस 4 भी लिख सकती थी, बट नो, मैं 10 प्लस 7 लिखा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पे मेरी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी. तो हमेशा उसको 100 इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है. ओके, चलो, देन वी हैव 102 इंटू 23. सो 102 इंटू आई कैन राइट माइनस 23 एज माइनस 20 माइनस 3. सो अब इस केस में क्या है, यू विल सी दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन बट ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. सो लेट्स मल्टीप्लाई. ओके, दिस इज 102 इंटू माइनस 20. ठीक है, बीच में क्या आ रहा है? माइनस 102, राइट, इंटू अच्छा हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, इंटू 3. सो लेट दिस बी प्लस. क्यों? क्योंकि माइनस 20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 20 प्लस माइनस 3. तो इस तरह से दो नंबर्स हैं, बीच में एडिशन का ही साइन है. ओके, एंड क्योंकि मैंने माइनस का साइन इस तरफ ले लिया, सो लेट्स सॉल्व दिस. 102 इंटू 20 इज गोइंग टू गिव यू माइनस 2040. ठीक है, बस आपको 102 इंटू 2 करना है एंड पुट द जीरो. ओके, देन वी हैव प्लस, हाउ मच इज दिस? 102 इंटू 3. सो दिस इज 3 टू ज़ 6, 0 एंड 3 वन ज़ 3. तो ये कितना हो गया? माइनस 2040. प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस 306. एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी, दिस इज 6432. सो माइनस 2346 इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फॉर्म योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी योर सेल्फ. ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 23 इंटू, क्योंकि हमने पढ़ा था दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले आऊँ, एक ही बात है, माइनस 23 इंटू 102. तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? माइनस 23 इंटू 100 प्लस 2. ठीक है, अब एक बार 23 100 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार माइनस 23 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो सॉल्व इट एंड सी इफ द आंसर इज सेम, क्या आपको माइनस 2346 आंसर मिलता है या नहीं, एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज.
अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? अब मुझे ये तो दिख रहा है कि बीच में एडिशन का साइन है, दोनों तरफ एक कॉमन नंबर है, सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दैट 28 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 1. 28 इंटू 1 28 होता है, मतलब आई एम नॉट चेंजिंग द डिजिट्स. सो नाउ कैन आई टेक 28 कॉमन? 28 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है? -21, और इधर क्या बचता है? +1. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 28 इंटू -20. सो ईजिली अब मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ. 28 इंटू 2 इज 56 एंड 10, सो -560 इज द आंसर, राइट? अब देखो एक सेकेंड में आंसर आ गया, नहीं तो आप पहले क्या करते? यू वुड हैव मल्टीप्लाई 28 इंटू 21 इस तरह से, फिर जो आंसर आता उसमें 28 को ऐड करते. नो नीड टू डू ऑल दिस, यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू ईज आउट योर कैलकुलेशंस. ओके चलो नेक्स्ट वन, 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10. नाउ इन दिस केस यू कैन सी कि बीच में कोई एडिशन नहीं है, ना ही कोई कॉमन नंबर है, तो आई नो कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी यूज. ओके सो कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगी क्योंकि इंटरचेंज करने पे मुझे चेक तो नहीं करना है. सो द दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी क्वेश्चंस में यूज होती है, दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेल्प्स यू टू ईज आउट योर कैलकुलेशंस. अब इसमें एसोसिएटिव में क्या था? ग्रुपिंग चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब 15 इंटू 25 करने के बजाय क्या मैं -25 इंटू -4 कर सकती हूँ? बिकॉज आई नो दिस इज इक्वल टू 100, तो मैं ऐसे करूँगी 15 इंटू -10, ठीक है, इंटू -25 इंटू -4. सो -25 इंटू -4 इज इक्वल टू +100. ठीक है, ये +100 हो जाएगा, दो नेगेटिव साइंस हैं, एंड दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 15 इंटू -10 विच इज -150. सो अब इजीली अब मुझे 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, सो माई आंसर इज गोइंग टू बी -15,000. ठीक है, सो इजीली बाय यूजिंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये देख के कि कब मेरा आंसर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में आएगा या फिर जीरोस की फॉर्म में आ रहा है, तो उससे मेरी मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाएगी. सो आई विल चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स. ओके क्लियर? अदरवाइज आप क्या करते हैं, 25 इंटू 15, फिर जो आंसर आता है इंटू -4, फिर जो आता है उसको इंटू 10. सो योर स्टेप्स वुड हैव बीन मोर. ओके सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मेरी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी. ओके लेट्स सी दिस वन, 11 इंटू -8 इंटू 7 इंटू 5. सो आई हैव टू ऑप्शंस, ये कर सकती हूँ 11 इंटू -8 इज हाउ मच? -88. ठीक है, इंटू 7 इंटू 5 इज 35. अब मैं आगे इसको मल्टीप्लाई करूँ, और व्हाट द अदर ऑप्शन डू आई हैव? पहले मैं करती हूँ 11 इंटू 7 देन इंटू -8 इंटू 5. ठीक है, 11 7 इज 77 होता है एंड 8 इंटू 5 इज 40, तो मेरे पास कुछ जीरो की फॉर्म में आ गया, दिस इज -40. अब मुझे सिंपली बस इजी मल्टीप्लीकेशन करनी है, दैट इज 77 इंटू 4. 7 4 इज 28, 7 4 इज 28, 29 30. सो दिस इज -3080, ये जीरो लगाना मत भूलना जो 40 के साथ था. ठीक है, सो दिस इज 3080 एंड दिस इज माई आंसर, राइट? सो दिस इज मच ईजियर देन मल्टीप्लाइंग दिस थिंग, है ना? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आइडेंटिफाई करो कि मैं कौन से दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करूं, बिकॉज वी नो कि इवन इफ आई चेंज द ऑर्डर माय आंसर विल रिमेन द सेम. ठीक है, सो प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इट विल हेल्प यू इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो एंड अदर कैलकुलेशंस इन योर लाइफ ऑल्सो, इवन डेसिमल्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा. ओके सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी in the comment section and I will be more than happy to help you. Apart from that, we have very important information for you. Okay, that is the Unacademy Plus subscription plus an iconic, which has a lot of benefits and very less cost. You can learn live from the comfort of your home. Ghar baithe baithe padho, tuitions bhi idhar udhar jaane ki zarurat nahi hai. Unlimited access to all the courses. So the courses are available to you all the time. Aap jab bhi free ho, aap usko dekh sakte ho aram se. ठीक है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी कंपनी के टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग यू. सो यू ऑल्सो हैव अ चॉइस ऑफ एजुकेटर, क्योंकि इंग्लिश के लिए यू विल हैव मेनी एजुकेटर्स, मैथ्स के लिए यू विल हैव मेनी प्लस एजुकेटर्स, सो यू विल बी एबल टू चूज. देन रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, सारा सब्जेक्ट जो सारा सिलेबस है कंप्लीट किया जाएगा. बैच कोर्सेज हैं, यू विल गेट नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस सेशन,
एवरीथिंग विल बी देयर. सो आपका पूरी अच्छे से तैयारी की जाएगी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे. सो आपको ट्यूशन्स में भी इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड ऑल दिस एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, राइट, ऑल दिस एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंथली, जैसे आप मंथली भी ले सकते हो ना, 3 months, 6 months, 12 months, इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस हैं, एंड यू कैन पे पर मंथ ऑल्सो, ठीक है, ज़रूरी नहीं आपको इकट्ठे पे करना है, पर मंथ पे करो. पर मंथ पेमेंट इज़ वेरी लेस. अगर मैं 15 months की बात करती हूँ, इट्स हार्डली ₹1200 पर मंथ, 1200 रुपये में सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है. 12 months की लेते हो, 1 साल की लेते हो, तो ओनली ₹1250 पर मंथ, राइट. एंड इफ़ यू वॉन्ट 10% ऑफ, चूज द कोड SPGSS10, ठीक है, SPGSS10 कोड यूज करके यू कैन गेट फ्लैट 10% ऑफ. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप वेर यूल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइजेस. देन वी हैव द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स. अगेन इसमें प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या मिलता है, पर्सनल मेंटर मिलेगा. यू विल गेट पर्सनल मेंटर, यू विल गेट वन ऑन वन गाइडेंस, एक टीचर एक स्टूडेंट, और सारे डाउट्स आपके साथ साथ क्लियर किए जा रहे हैं, ठीक है. आपको वीकली रिपोर्ट मिलेगी, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, टाइम टेबल, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट. सो बेसिकली सारा फोकस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आप पर होगा. सो इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर योर यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बड़े होकर आई आई टी जाना है, नीट क्लियर करना है, सो आई थिंक बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ 6 to 8. एंड ऑफकोर्स ये सब्सक्रिप्शन 6 to 12th के लिए है, ठीक है. द प्राइजेज आर सेम फॉर 6 to 12, सो यू कैन विजिट द ऐप एंड द कोड रिमेन्स द सेम, SPGSS10. अगेन डिफरेंट पैकेजेस, पर मंथ कॉस्ट इज वेरी लेस, एंड फॉर फ्लैट 10% ऑफ यूज द कोड SPGSS10, ठीक है, यही कोड यूज करना है सबको. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड किसी का पार्ट वन मिस हो गया हो, सो दे कैन गो एंड सी Chapter 1, Part 1 of Integers on this channel. And today we did the properties of integers. I hope you got it. Don't forget to like it, subscribe and share our channels. Let's crack it with Unacademy. Thank you so much. Bye-bye. See you soon.